सो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और लास्ट ईयर मैं गया था अलाहाबाद में और इतना रोमांचक खाना खाया था। उसमें पिक करे हैं चुनिंदा कुछ ऐसी जगहें जो जब भी आप अलाहाबाद जाओ या प्रयागराज बोलो उसको, जो भी बोलो, जाके खाओ और आपका दिल बोलेगा ओए होए होए मजा आ गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो पे 4000 लाइक से ज्यादा आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अलाहाबाद का खाना पसंद आ गया। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में सबसे बढ़िया क्या मिलता है। मैं हूँ दिल्ली वाला और दिल्ली वाले जाने जाते हैं अपने छोले भटूरे और मोमोज के लिए। ऐसे ही अलाहाबाद वाले जाने जाते हैं अपने दम आलू के लिए और अपने हरी राम के समोसों के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप प्रयागराज की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वेजी बाजी प्रयागराज लिखेंगे तो सारी वीडियोस आ जाएगी। हो। समोसे की धड़ाधड़ पैकिंग हो रही है। समोसे तो खाने पड़ेंगे यहाँ पे। एक दो चीज़ें आपका बताएंगे क्या क्या हम ट्राई करें। समोसे लोग लगता है पसंद करते हैं बहुत। समोसा बाहर जाता है। ये समोसे हैं आपके काले चने हैं मसाले वाले। चने मसाले। और ये आपकी दाल मोठ मसूर की। अच्छा, एक महीने तक चल जाएगा ये समोसा। अच्छा, इसको देसी घी में बना हुआ। सब देसी घी में बना हुआ है। अच्छा जी, हम लोग हैं हरी राम एंड सन्स पे लोकनाथ मार्केट में। ट्राई करते हैं इनका अलग अलग टाइप के नमकीन और समोसे। 1890 करीबन 125 साल से ऊपर हो गए हैं। लेट्स चेक आउट कैसे हैं। काफ़ी अलग है, नमकीन वाली कचौड़ी होती है, बसर वाले मसाला है। जब जैसे गुजराती लोग अपना थेपला वगैरह लेके जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो लोग अलाहाबाद से बाहर जाते हैं वो आपके समोसे ले जाते हैं कि अगर बाहर कुछ अच्छा खाना नहीं मिला तो कम से कम समोसों का साथ है। और यहाँ के काले चने ट्राई करते हैं। अच्छा, ये उबले नहीं है। हाँ, देखने में लगता है कि उबला हुआ है। नहीं, और इसका मसाला काफ़ी बढ़िया है जी। ये कितना चलेगा? ये साल भर चलेगा। साल भर चलेगा ये तो आप पैक करवाइए, हम अपने पापा को खिलाएंगे, उनको काफ़ी पसंद आएंगे ये चने। समोसे तो अच्छे हैं, मेरे को ये चने जो खा के जो खुश हो गया ना मन, बहुत प्रसन्न हो गया। खाना बहुत प्यार से लोग खिलाते हैं, मज़ेदार। लस्सी पिलाइएगा, एक बड़ा ग्लास पिलाइएगा। अब यहाँ पे ना क्या है, लस्सी का छोटा ग्लास है 25 रुपए का और बड़ा ग्लास है 60 का। मेरे को लग रहा है कि मज़ा आने वाला है, बड़ा ग्लास बहुत बड़ा होने वाला है। आई थिंक बन भी, मतलब अभी प्रोसेस स्टार्ट भी हुआ तो हम लोगों को पहले पेड़ा मिल गया टेस्ट करने के लिए, फिर रबड़ी मिल गई, अब पनीर मिल गया। इसे कहते हैं अलाहाबादी हॉस्पिटैलिटी। बहुत हैवी है। ओ भाई साहब, अब हम लोग जी आए हैं लोकनाथ लेन में, आए जी राजा राम स्वीट्स में। राजा राम स्वीट्स नहीं, राजा राम लस्सी वाले पे आए हैं हम लोग। ये इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, 3 पीढ़ियों से लोगों को ऐसी लस्सी पिला रहे हैं जी। 60 रुपए का ग्लास है। पहले आप तो ये देखो, ये ग्लास देखो, ग्लास का साइज़ देखो आप, ये देखो जी ग्लास का साइज़। ओ भाई साहब, ये देखो लस्सी का साइज़ आप। इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं। इसके अंदर दही तो आपका ऑलरेडी है, उसके ऊपर मलाई है, उसके ऊपर रबड़ी है, उसके ऊपर केसर है, ये लस्सी और ये शुभम का सर। ओ भाई साहब, शुभम तुम्हारे सर के पूरे बराबर की लस्सी है ये। हमें लस्सी से लगाव बड़ा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या देखूँ क्या ना देखूँ। आँखें बंद करके पीते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसका, इसका साइज़ देखो भाई साहब आप, और सिर्फ मात्र 60 रुपए की है ये लस्सी। भयानक मलाई बहुत सॉफ्ट है भाई इनकी, हल्की सी खटास है मलाई में, बहुत कमाल है। मलाई रबड़ी दुनिया जान की चीज़ है। आई थिंक इसके बाद तो हम इसके बाद पार्क में जाना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी वरना आगे नहीं खा पाएंगे। हैराम, क्या लस्सी है ये। क्या अच्छा, खाने वाले हम लोग खाएँगे छोला समोसा। सैनिक पे आए हुए हैं। हाँ, एक ही हो गया इसको, अलग 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 इसको छोले के साथ नहीं, इसमें चटनी अलग से डालना। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सैनिक
सैनिक स्वीट्स मैं अशोकनगर में, यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया छोले समोसे मिलते हैं, पर हम लोग देख रहे थे और क्या क्या खाने को है, तो एक सादा समोसा ले लिया ताकि बिना छोले के समोसे का टेस्ट हो जाए। छोले समोसे है ना बस। ओ भाई साहब, समोसों के अंदर एक अलग से आलू का मसाला है जो अपने आप में ठीक है। सिंपल समोसा है, थोड़ा स्पाइसी है, चिलीज वगैरह है इसके अंदर, बट इसमें इतना मज़ा नहीं है। जब छोले के साथ पेयरिंग करते हो ना, छोले जो है ना इतने कमाल के, ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है, मज़ेदार है। अभी इसको आराम से बैठ के ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ पे ना अलाहाबाद का एक और स्पेशल अपना रहता है सुबह ब्रेकफास्ट में, मीठा जलेबी। अब जलेबी तो हर जगह मिलती है, यहाँ पे क्या खास है? जलेबी पे दही, गर्म जलेबी, ठंडा ठंडा खट्टा खट्टा दही, ये चीज़ ना कहीं आपको और मिलेगी, ना कहीं और उम्मीद रखिएगा, ये अलाहाबाद में ही मिलेगी। जैसे अलाहाबाद के दम आलू है, वैसे अलाहाबाद की जलेबी दही। मस्त रहो ज़िंदगी में, जलेबी खाओ दही के साथ, ना मिले तो रबड़ी के साथ खाओ, ना मिले तो ऐसे ही खा लो, ना मिले तो फिर चुल्लू पर पानी। जलेबी मीठी मीठी, खट्टा खट्टा दही, सुहाना मौसम। देखने में लग रही थी पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, थोड़ी पतली है, बट दही के साथ खा रहा हूँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके तो एक एक पीस खा लेंगे, तीन पीस खा लेंगे, ले ले भैया, तीन पीस लेना ज़रा। रसगुल्ले के नाम पे अगर गुलाब जामुन मिलेगा तो आप में भी एक्साइटमेंट होगा। मैं देहाती के रसगुल्ले जब तक आया नहीं था ना, मैं दिमाग में सोच रहा था अरे वाइट कलर के होंगे उड़ीसा जैसे, और आया तो एकदम ब्लैक निकला। चीयर से भाई, चीयर से जी। चलो जी अब लेट्स स्टार्ट ईटिंग। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, दो बाइट में इसको ख़त्म करूँगा। एक बाइट में कर देता अगर असली वाला रसगुल्ला होता, बट अब ये गर्म है, गर्म रसगुल्ला कभी खाया है? गुलाब जामुन है ये, मैं इसको गुलाब जामुन बोलूँगा। कभी आपने लखनऊ के कबाब के बारे में सुना है? वो बनाए इसलिए गए थे जिनके दांत नहीं है, मेरे तो दांत है अच्छे, दांत रहे हमारे काम में, दांत जो है हाथ से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर जिन लोगों के पास दांत नहीं है ना, वो भी यहाँ पे आके खाए, पता नहीं चलेगा उनके दांत की क्या ज़रूरत होती है। गया चार सेकेंड में घुल गया, आज इसको हम लोगों ने माफ़ कर दिया। गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ला बनाए, जो मर्जी बनाए अपने घर में बनाए, एज लॉन्ग एज इट्स टेस्टी, एक खुद खाओ, एक डब्बा मोहल्ले वालों के लिए पैक करवा के लेके जाओ, आप खुश, मोहल्ले वाले खुश, भैया खुश, सब खुश। यहाँ पे अंदर चलते हैं, नेत्राम में सुना है यहाँ की जलेबी और कचौड़ी, कचौड़ी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अच्छा ये दाल की पिट्ठी है, इनको कचौड़ी बोलते हैं। ये पूड़ी जैसी नहीं होती? पूड़ी अलग होती है। पूड़ी, अच्छा क्या फर्क रहता है? पूड़ी यानी इसके अंदर दाल भरा हुआ व्रत का। अच्छा हाँ, और पूड़ी के अंदर कुछ नहीं रहता, केवल सादा आटा रहता है। इसको बेड़वी भी तो बोलते हैं कहीं कहीं जगह, बेड़े हाँ बोला जाता है, बेड़ाई जैसी है ना ये, बेड़वी बेड़ाई जैसी। यहाँ पे इसको कचौड़ी बोलते हैं, आगरा में बोलते हैं, आगरा में बेड़ाई बोलते हैं। नीचे आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, आ जाओ नीचे आओ नीचे। यहाँ पे दही मिला है, मीठी चटनी मिली है, आलू की सब्जी मिली है, ये कद्दू की सब्जी है आई थिंक सीताफल की, ये थोड़ी सी रस में सी आलू और मटर की सब्जी है, और ये हम लोगों ने ढोकला अलग से मारा है, तो मारो ढोकलो छे, बहु सरस छे, बहु हेल्दी छे। तो ये फ्राइड भी है, ये आटे से भी बनी और इसके अंदर स्टफिंग भी है उड़द दाल की, तो इसको कचौड़ी बोल सकते हैं। ये देखो इसके अंदर स्टफिंग है, और क्या कमाल की स्टफिंग है, जैसे कहते हैं ना दिल खुश स्टफिंग है इसके अंदर उड़द दाल की। यहाँ पे ना कचौड़ी के साथ तीन चार सब्जियाँ मिलती है, बट हम लोगों ने एक ही चीज़ खाई है जो है दम आलू। अलाहाबाद के दम आलू की कहानी अलग है। तो भाई अभी हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पे जिसने ऐसा कॉन्कर कर लिया जगह को, ये पीछे आप जो चौराहा देख रहे हैं ना, वो चौराहे का नाम है हीरा हलवाई चौराहा। ये क्या बात हो गई भैया, ऐसा क्या ताबड़तोड़ चीज़ें दे रहे हैं कि चौराहे का नाम अपनी दुकान पे रखवा लिया है। हम लोगों ने यहाँ से लिया समोसा और गुजिया, ये गुजिया एकदम ऐसे घर वाली गुजिया लग रही है ना, ये ऐसे लग रहा है हाथ से बनाई है, मोल्ड वाला, हाँ मोल्ड वाले से बनाई है। इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं, इससे उम्मीदें काफ़ी है,
वाह, नॉर्मल जो जैसे हम लोगों ने उस पर समोसे खाए थे सैनिक पे, वैसे ही वाले समोसे हैं, बस इसका थोड़ा आई थिंक खुशबू इसकी काफ़ी अलग है। और इसका गुजिया दिखाओ, पोसे द गुजिया। ओह भाई साहब, ये तो क्या ही है, ये जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली चीज़ है। चॉकलेट जैसा लग रहा है ना कुछ, तो खा के पता चले। हाँ, पर वो मावा एकदम बहुत बढ़िया भुना हुआ है लगता है, बहुत कमाल का लग रहा है, ऐसी मैंने गुजिया कभी देखी नहीं है। उनकी फीलिंग, उनकी चटनी, कोई भी अच्छी दुकान हो ना, सारा मज़ा उनके मसालों में और उनकी चटनी में, इतना फ्लेवर उभर के आ रहा है उनका, मन कर रहा है ये चटनी पी लो अलग से। खाओ तुम, वो चॉकलेटी टाइप का फ्लेवर है इसके अंदर, जैसे कैरमलाइज होता है ना, तो लग रहा है चॉकलेट मावा टाइप, तो चॉकलेट गुजिया टाइप सी लग रही है। बहुत सही है आप, चॉकलेट गुजिया है नहीं, है मावा ही लग रही है, बहुत कमाल। तो ये है द वेरी फेमस ओल्ड कटरा की पंडित जी की फेमस चाट। संघर्ष है यहाँ पे आके खाना, संघर्ष है, मतलब भाई साहब क्या क्रेजी लेवल की भीड़ लग रही है यहाँ पे। पर यहाँ पे ना खाना ना आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, यहाँ पे आके हमने इतनी भीड़ में खाया, और अभी तो ये एकदम लास्ट वाला स्टेज है, तो ये कम भीड़ है। 5 बजे आओगे तो क्या बाइक तक जाएगी वो भीड़ भाई, मतलब इतनी जाती है, अभी मैं आया था तो मतलब इतनी यहाँ तक। बाप रे बाप, कैसे खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को चाट खाने का शायद। अरे दही वाला तो मिला, फाइनली गोलगप्पे खा लिया मैंने यहाँ पे, मेरे को लग रहा था कैसे खाऊंगा, पर वही आप लोगों ने वीडियो पे लाइक कर दिया था ना, उससे बड़ी आसानी से खा लिया था। नहीं करा अभी तक, लाइक करो पहले फिर गोलगप्पा खाओ। पर मेरा फेवरेट ना प्लेन वाला था, तो एकदम क्रिस्पी मज़ेदार, सीला वाला नहीं था, मैंने ऐसी क्रिस्पी पूरी नहीं खाई कभी, बहुत बढ़िया था। ये क्या चीज़ है, ये भाई सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सोन हलवा जो बोलते हैं, सोन हलवा विंटर्स होता है, दिवाली से स्टार्ट होता है, होली तक होता है। अच्छा, वो थोड़ा सख्त रहता है ना, ये ये पापड़ी है, ये थोड़ी मुलायम रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, बहुत थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो चूरा ही हल्का से दे दी। अच्छा ठीक है, पर चीज़ वही है, वो लेयरिंग जो रहता है वही है, वही है, अपना अलग सिस्टम है बोलने का, अलग अलग। अच्छा हाँ, देसी घी में बनी है ना पूरी, स्पेशल चीज़ खिलाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, तो आप खाइए फिर बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा, तोड़ना नहीं इसको भैया, पूरा मुंह रखना है। तो अभी हम लोग माता दीना एंड सन्स पे अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे ना अलाहाबाद के लोगों की हॉस्पिटैलिटी ऐसी है, हम लोग खाने एक चीज़ आते हैं और हम लोगों को 5 चीज़ और टेस्ट कराते हैं, अलग अलग जायके। अभी हम लोगों ने एकदम फ्रेश फ्रेश देसी घी वाली सोहन पापड़ी, जिसे दिवाली में आप लोग जो सोन पापड़ी खाते हैं, उसका मैंने बेस्ट वर्जन अभी खाया है आपके अभी जो पीछे दिखाया, और अभी एक चीज़ हमें मिली है जिसका हम लोग टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, पहले खाएंगे, गेस करेंगे और फिर बताया जाएगा क्या है। ये मैंने खा रखा है कहीं पे, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसा लगा ये। ये तो मुंह में जाके घुल जाता है, सारा देसी घी का ही सारा फ्लेवर आता है। मंसूर कहते हैं, मैसूर पाक, हाँ मैसूर पाक, बहुत बहुत मुलायम था। हाँ, इसका ये है कि भाई जितनी फ्रेश रहेगी, हाँ जी बनी है तो उसका यही क्वालिटी, अभी का तो वो फर्क रह आ ही जाता है बिल्कुल। विंटर में तो फिर तो गज्जा का अलग अलग टाइप की, लौकी का अच्छा, अच्छा काफ़ी, मतलब कितने टाइम से है ये, 1915 से हमारी शॉप, ऑलमोस्ट 100 साल हो गया। अलाहाबाद के लोगों का प्यार देखा तुमने, काबिले तारीफ़ है। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे, बट मतलब अच्छा, ये हम लोग जाते हैं एक चीज़ खा ले, 4 और चीज़ तो पहले खिलाते कि आप ये खाइए, आप ये खाइए, कोई इतने प्यार से खाना खिलाए ना तो वो खाना आपको बुरा लग ही नहीं सकता, खाने का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। चलो बस भाई, अपना तो यही वाला है, तुम एक्सपेरिमेंट करो, हम इसी पे अटकेंगे। पान लिया और उसको मुंह के ऐसे कोने में रखा,
चबाना नहीं है और फिर ऐसी बनारसी बाबू की आवाज़ में बात करिए, चेरी खानी है तो खाइए वरना छोड़ दीजिए, चबाना नहीं है बाबू। इसी से हम लोग ये अलावाज की वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो पान और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और ठीक है लाइक तो कर ही दो, ठीक है। बनारसी बाबू, तीनों बनारसी बाबू बने हुए, चबा रहे हो तुम, चबाना नहीं है, ठीक है। बाय बाय जी, इनको मैं थोड़ा डांटता हूँ, पान खाना सिखाता हूँ, ठीक है, ओके बाय जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ करिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। संडे को डलती है चैनल पे मुंबई की गलती, मिलते हैं संडे को, टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय।